नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश आडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले आपसे कैसे के ऊपर बात करना चाहूंगा। कल को हमने कैसे सीड को 6200 के ऊपर ट्रेड करते देखा था, आज भी देख रहे हैं कैसे सीड का फरवरी वायदा 6286 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6288 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड आप धीरे धीरे 6300 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है अगर कैसे सीड 6300 का लेवल दिखा देता है, टच कर लेता है, तो क्या वहां से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी या फिर यहाँ से कैसे में तेजी अभी आने वाली है? हेलो, एक देखिए कमोडिटी तो रही है। रूपा जी, यहाँ से अगर बात करें कैसे सीड की, तो हमने कैसे सीड को आज देख रहे हैं कि 6300 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, 6288 का हाई लगा चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है अगर 6200 के ऊपर सस्टेन रहता है कैसे सीड का वायदा बाजार और 6300 का लेवल दिखा देता है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए या फिर वहां से तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, कैस्टर में अभी फिलहाल 6500 तक एक बार अपसाइड मोमेंटम है और यही दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल 6500 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी ये कैसा है कि फंडामेंटल्स अभी मजबूत हैं। रूपा जी के मुताबिक शॉर्ट टर्म में कैसा सी में 6500 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये से रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वायदा 3300 के ऊपर ही सस्टेन है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि 3400 का लेवल टच करने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है और बिनौला खल देख रहे हैं कि 3300 के ऊपर स्टक हो गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है बिनौला खल में जो आगे तेजी बताई जा रही थी कि 3400-3500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो कब तक संभव है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कब तक संभव है, लेकिन हाँ, 3500 का स्तर अभी भी मार्केट में है कि 3500 का स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। आप देखिए, 3300 के ऊपर ही सस्टेन है, कोई बहुत ज्यादा करेक्शन अभी आई नहीं है इस कमोडिटी के अंदर और एक्सपायरी की वजह से पटक का माहौल है। अदरवाइज बाजारों के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है और आज भी बाजार फरवरी वायदा आप देखिए 1.25% से के आसपास की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि आज 3360 से 3400 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करेंगे मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का फरवरी वायदा 10,000 के ऊपर है, 10,386 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी है। जीरा का मार्च वायदा देख रहे हैं 18,350 पर ट्रेड कर रहा है, उसमें भी 1% की तेजी है। और हल्दी का फरवरी वायदा 11,000 के पार जा चुका है, 2% की तेजी। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से हल्दी की क्रॉप डैमेज हुई है, जीरे में एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रही है और धनी की शॉर्टेज है, तो ऐसे में अब मसालों का ओवरऑल बाजार कैसा रहने वाला है, क्या हाजिर कारोबारियों को इस समय कुछ स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए, तेजी है, ये हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि मसालों के अंदर आगे रुझान पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहा है और टेक्निकली भी बाजार तेजी की तरफ है, तो ऐसे में अभी एक्सपेक्टेड है कि बाजार और ज्यादा अपसाइड मोमेंटम में जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जीरा के लिए जो स्तर निकल कर आ रहे हैं वो 20,000 तक है, वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया भी 11,000 से 12,000 का स्तर छू सकता है और हल्दी में भी 12,000 तक के स्तर संभव है कि देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि अभी फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर जो फंडामेंटल अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है और प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये से रूपा जी बात करेंगे ग्वान कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वान कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं आज काफी शानदार तेजी बनती नजर आई है, काफी समय के बाद ग्वार गम 12,000 के पार निकला है। देख रहे हैं कि ग्वार गम का फरवरी वायदा 12,156 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2% की तेजी है। ग्वार सीड का फरवरी वायदा 6480 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगभग 1% की तेजी के साथ। रूपा जी, आपको क्या लगता है क्या आज इंट्राडे में ग्वार सीड 6500 के ऊपर जा सकता है और क्या ग्वार गम में ये जो तेजी है ये सस्टेन रह सकती है आगे? देखिए, तेजी अभी सस्टेन है, 12,000 के ऊपर निकल चुका है, 2% की तेजी, आज हो सकता है कि 4% तक अपसाइड देखने को मिले और बिल्कुल जो सीड है वो भी 6500 के पार आज जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छी खासी रैली है, जैसे कि लगातार हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 12,000 तक, जब 10,000 के आसपास था तभी हमने डिस्कस किया था कि ये 12,000 तक ऊपर जा सकता है, और वही अगर सीड की बात करें तो सीड भी 6500 का हमने स्तर दिया था, हम यहाँ से 6500 के ऊपर सस्टेन होते तो 6800 से 7,000 के स्तर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, ये से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की,
तो हमने विदेशों में देखा था कि साउथ अमेरिका में, जैसे कि ब्राज़ील की बात की जाए या अर्जेंटीना की बात की जाए, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सूखे के वाले हालात देखने को मिल रहे हैं, शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार अभी बरसात हो सकती है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से सोयाबीन को थोड़ा सहारा देखने को मिल सकता है। और उसी की वजह से हमने देखा है कि सोयाबीन का वायदा बाजार पिछले 2 से 3 दिनों से लुढ़कता हुआ भी नज़र आया है वेदर कंडीशंस की वजह से। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन अभी कुछ दिन तक ऐसे ही नरमी के साथ ट्रेड करती नज़र आएगी? क्योंकि हमने US सोयाबीन को ऊपर में 1390 तक भी जाते हुए देखा, लेकिन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देख रहे हैं कि आज 1360 तक भी पहुंच गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी कुछ समय के लिए सोयाबीन में जो कारोबार है वो मंदी वाला रहने वाला है? देखिए, एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल मंदी ही है, तेजी का रुझान नहीं बन रहा है। जी और विदेशी बाजारों में थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में प्रेशर और आगे बढ़ना तय है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से सोयाबीन फिलहाल तेज होती हुई दिखाई नहीं देगी, आगे चलकर और दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी इसी रूप जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, कॉटन में अभी क्या लेवल्स रह सकते हैं, क्या और क्या कॉटन में आगे जाके यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है कि क्रॉप भी डैमेज हुई है, प्रीमियम भी ज़्यादा देखने को मिला और एक्सपोर्ट्स में भी डाउनफॉल है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन में ऊंची कीमतों पर हाजिर में भी खरीद होती रहेगी, और क्या वायदा में भी कॉटन में तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, कॉटन में फिलहाल तेजी ही है और अभी भी बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूशन में रह सकता है। और फिलहाल के लिए कॉटन के अंदर बाइंग में ही रहना चाहिए, अभी 15 से 20 दिन और मार्केट अपसाइड में ही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ, सुरेंद्र बेनीवाल जी, जिनका सवाल बासमती राइस को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं अभी बासमती राइस में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, राइस में अभी छुटमुट तेजी बनती हुई दिखाई दे रही थी कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होंगे, उसकी वजह से तेजी बन सकती है, लेकिन फिर से बाजार सुस्त दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि फिलहाल इन्हीं रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, बहुत ज्यादा फिलहाल मोमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार चने को लेकर आ रहा है, ये सब चने का भविष्य जानना चाह रहे हैं कि चने का भविष्य क्या है। रूपा जी, हमने देखा है कि हाल ही में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं मुख्य उत्पादक राज्यों में चने के, उनमें देख रहे हैं कि बुआई का आंकड़ा तो बड़ा है, क्योंकि साल 2021 में दालों की कीमतों में तेजी रही थी फर्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद से सरकार ने एक्शंस लेने शुरू कर दिए थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर चने का उत्पादन बढ़ता है और प्रोडक्शन ठीक ठाक रहती है, तो क्या कीमतें और नीचे जाती हुई नजर आएंगी? देखिए, दालों में तो दबाव ही है और फिलहाल स्पेशली चने की बात करें तो चने में भी बिल्कुल प्रेशर है। और अभी जब से वायदा को हटाया गया है तब से तो बाजारों में कीमतें जो है वो नीचे ही बनी हुई है, बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दी है। और अभी दालों के अंदर और तेलों के अंदर, ये दोनों ऐसी कमोडिटीज है जिसमें फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आगे चलकर कुछ अपसाइड मोमेंटम फिलहाल के लिए बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बहुत सारे दर्शक हैं तिल के बारे में जानना चाह रहे हैं, तिल्ली का बताएं, तिल का उत्पादन इस बार कम रह सकता है भारत के अंदर, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में तेजी रह सकती है। हमने तिल के बारे में वीडियो भी डाली हुई है कि पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट हैं, कहां पर कितना उत्पादन हो सकता है, हमने पूरी रिपोर्ट डाली हुई है अपने चैनल पर, आप तिल के बारे में वो रिपोर्ट हमारी जाकर देख सकते हैं। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जयराम यादव जी, जिनका सवाल मस्टर्ड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मस्टर्ड सीड में आगे क्या रहेगा? देखिए, मक्के में छुटमुट तेजी बनी रह और ऊपर सकती ये है, मस्टर्ड लेकिन सीड के लंबी बारे में तेजी जानना चाह फिलहाल रहे हैं, के लिए सरसों नहीं। के बारे में, सरसों दाना। देखिए, सरसों के अंदर दबाव है, अखिलेश मैंने पहले भी बताया कि तेलों के जी अंदर दबाव है, तेल और दालें इन सभी में अभी फिलहाल दबाव के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। जी ये से रूपा जी बात करें अगर अब मसालों की, तो मसालों में आपकी तरफ से हाजिर कारोबारियों को क्या सलाह रहेगी? क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि मसालों में जो तेजी बनी है, क्या कुछ मसाला रोक लिया जाए जिससे कि आगे और ज्यादा तेजी में मुनाफा कमाया जा सके? देखिए, बिल्कुल रोक कर चल सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट पर नजर रखिए और जैसे ही थोड़ा सा और मार्केट अपसाइड में जाता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं, लेकिन रुझान अभी तेजी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए आपकी तरफ से, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है पूरा कारोबारी सप्ताह?
देखिए पूरे सप्ताह की बात करें तो अखिलेश अभी मुझे लगता है कैस्टर अच्छा हो चुका है, कैस्टर में बाई करा जा सकता है, बिनोला खल में बाई किया जा सकता है, ये कमोडिटीज मुनाफा दे सकती हैं, और ग्वार एज यूजुअल अभी फिलहाल तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो इन सभी कमोडिटीज में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसा सीड हुआ, बिनोला खल हुआ, ग्वार हुआ, ये कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनमें अभी ओवरऑल रुझान हाल फिलहाल में तेजी वाला रहने वाला है, तो इन कम्युनिटीज़ में रूपा जी के अनुसार तेजी में रहा जा सकता है, अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं भी क्लब से इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।